जांजगीर चांपा के सारागांव थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां कलयुगी बेटे ने अपनी 62 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ दुष्कर्म किया है। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल घटना 19 अगस्त की है। घर में 62 वर्षीय मां अकेली थी और आरोपी बेटे की पत्नी बच्चों के साथ रक्षाबंधन त्योहार मनाने मायके गई थी। तभी कलयुगी बेटे ने शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी बेटे ने अपनी मां को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके पीड़ित मां ने किसी को कुछ नहीं बताया था। बाद में उसने सरपंच को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।